हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुपर मूव। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं उस आयरन मैन की जिसने यूनिवर्स को बचाने के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया था। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, टोनी स्टार्क एक इंटेलिजेंट बिलियनियर इंडस्ट्रियलिस्ट और स्टार्क इंडस्ट्रीज का सीईओ रह चुका है। इन सबके साथ टोनी एक मस्ती भरी लाइफ जी रहा था और तभी उसकी लाइफ पलट जाती है जब टेनरिंग्स नाम का एक क्लैन उसे किडनैप कर लेता है और फिर उसे एक केव में कैद कर देते हैं, जहां पर टोनी उस केव से निकलने के लिए एक आर्मर बनाता है और आर्मर बनाने के बाद वो उस केव और टेनरिंग्स दोनों की कैद से आजाद हो जाता है। उसके बाद वो सेफली अपने घर वापस आ जाता है और तभी उसे एक आइडिया मिलता है एक आर्मर से दुनिया को बचाने का। उसके बाद वो एक नया सूट डिजाइन करता है और आयरन मैन बन जाता है। आयरन मैन बनने के बाद टोनी अपने बिजनेस पार्टनर ओबाडिया स्टेन से भी लड़ता है। उसके बाद वो मीडिया में ये अनाउंस कर देता है कि वही आयरन मैन है। इन सबके बाद टोनी को ये पता चलता है कि जिस आर्क डायरेक्टर की वजह से वो अब तक जिंदा रह रहा था, वही आर्क डायरेक्टर उसकी मरने की और तभी उसकी लाइफ में एक और तूफान आ जाता है इवान वैंको के नाम से, जो कि स्टार्क इंडस्ट्रीज के साथ साथ टोनी और उसके पिता का नामोनिशान मिटाने निकला था। और तभी टोनी की मुलाकात शील्ड के एजेंट से होती है और उससे मिलने के बाद उसे थोड़ी हिम्मत मिलती है, जिसके बाद वो एक नया एलिमेंट बनाकर एक नया आर्किटेक्टर बनाता है और इवान वैंको से निपटता है। और शील्ड से हेल्प लेने के बदले में उसे शील्ड का कंसल्टेंट बनना पड़ता है और उस पोस्ट का यूज करके टोनी जनरल रॉस के पास जाकर शील्ड से दूर रहने के लिए कहता है। इतना सब होने के बाद फिर से सब कुछ नॉर्मल चल रहा था कि तभी लोकी अर्थ पर आ जाता है। उसे रोकने के लिए टोनी एवेंजर्स ज्वाइन करता है, जहां वो अपने बाकी मेंबर्स के साथ मिलकर लोकी को रोकता है। और फिर इस हादसे के कारण टोनी को पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का सामना करना पड़ता है। इसे ठीक करने के लिए टोनी बनाता है आयरन लीगॉन, ताकि इस सूट को एवेंजर्स को सौंप के खुद रिटायर हो सके। बट इससे पहले कि उसका सपना पूरा होता, मैंड्रिन नाम का एक ग्रुप उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से टोनी अपने गैराज से अलग हो जाता है और अपने जीनियस ब्रेन और हार्ले नाम के टीनेजर के साथ मिलकर अपना सूट रिपेयर करता है और कुछ नए इक्विपमेंट बनाकर मैंड्रिन को ढूंढने निकल पड़ता है। जब वो मैंड्रिन से मिलता है तो उसे पता चलता है कि मैंड्रिन तो सिर्फ एक एक्टर है, इन सब का असली मास्टरमाइंड तो ऑलरिच केलियन है। उसके बाद वो जैसे तैसे उसे हराता है और फिर लास्ट में क्लीन स्लेट प्रोटोकॉल का यूज करके वो अपने सारे आर्मर को तबाह कर देता है और फिर अपनी सर्जरी कराकर आर्क रिएक्टर निकलवा लेता है। और उसी के बाद एवेंजर्स हाइड्रा के पता चलने की वजह से अलग अलग हो जाते हैं और तभी टोनी फिर से अपने आयरन मैन के फॉर्म में वापस आ जाता है और कई सारे सूट्स बनाकर स्ट्रकल को ढूंढता है। और फिर टोनी लोकी के सेप्टर को लेकर वापस आने ही वाला होता है कि तभी वो वांडा के माइंड गेम में फंस जाता है और इसी बीच वो ब्रूस के साथ मिलकर अल्ट्रॉन को बचाने के फैसला करता है, एक ऐसा रोबोट जो कि एवेंजर्स के साथ मिलकर दुनिया में शांति कायम करे। लेकिन टोनी और ब्रूस की गलतियों की वजह से अल्ट्रॉन खुद ही इनेबल हो जाता है। लेकिन यहाँ सब उल्टा हो जाता है, उसे लगता है कि दुनिया को इंसानों से ही खतरा है और इसीलिए वो ह्यूमैनिटी को खत्म करने निकल पड़ता है और तब एवेंजर्स एक साथ मिलके अल्ट्रॉन को रोकने में कामयाब हो जाते हैं। बट उनके हीरोगिरी चक्कर में सुकोबिया के कई सारे लोग मारे जाते हैं और इन सब के लिए टोनी खुद को रिस्पॉन्सिबल मानता है, इसलिए वो सुकोबिया समझौते को सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन टोनी के इस समझौते को सपोर्ट करने के कारण एवेंजर्स बिखर जाते हैं, लेकिन कैप्टन को अपने दोस्त बकी को बचाने के लिए समझौते को तोड़ना पड़ता है। तब टोनी को मजबूरन उसे पकड़ने के लिए जाना पड़ता है और इसी वक्त एवेंजर्स के बीच छिड़ जाती है सिविल वॉर। लेकिन सिविल वॉर के बाद टोनी को पता चलता है कि इन सब के पीछे हेलमेट जीमो का हाथ है और तब टोनी स्टीव की मदद करने के लिए उसके पास जाता है। लेकिन जीमो की वजह से उसे पता चलता है कि टोनी के पेरेंट्स को बकी ने ही मारा था, जिसकी वजह से टोनी मिर्जापुर के मुन्ना भैया के फॉर्म में आ जाता और गुस्से में आकर टोनी बकी को मारने पे उतर आता है। बट इससे पहले कि टोनी बकी से बदला ले पाता, कैप्टन उसके सूट को 2.5 मिनट का झोपड़ा बना देता है, यानी कि उसका सूट डिसेबल कर देता है। और अपनी हार के बाद टोनी न्यूयॉर्क वापस आ जाता है और स्पाइडरमैन की हेल्प करता है ताकि वो उसे खुद से भी ज्यादा बेटर सुपर हीरो बना सके। और इसी बीच वो पेपर से एंगेजमेंट भी कर लेता है और अपनी बट इससे पहले कि वो शादी कर पाता, डॉक्टर स्ट्रेंज और ब्रूस बैनर आ जाते हैं और उसी से कहते हैं कि थेनोस अर्थ पर आ रहा है तबाही मचाने। और इसी के बाद उनकी लड़ाई ब्लैक ऑर्डर से होती है और लड़ते वक्त
एबनी मॉ डॉक्टर स्ट्रेंज को पकड़ लेता है और उसे बचाने के लिए टोनी को ब्लैक ऑर्डर की शिप पर जाना पड़ता है। एबनी मॉ की कैद से डॉक्टर स्ट्रेंज को छुड़ाने के चक्कर में वो लोग टाइटन ग्रह पर पहुंच जाते हैं और वहां टोनी गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद से थैनोस को रोकने लगते हैं। बट थैनोस एक एक करके सभी को ढेर कर देता है। तब टोनी और थैनोस की सोलो फाइट होती है जिसमें टोनी थैनोस का एक बूंद खून निकाल ही देता है, बट इस फाइट में हार होती है टोनी की। बट इससे पहले कि यूनिवर्स को बचाने के लिए टोनी खुद को सेक्रीफाइस कर देता है, डॉक्टर स्ट्रेंज थैनोस को टाइम स्टोन दे देता है और बदले में थैनोस टोनी को छोड़ने के लिए कहता है और थैनोस टोनी को छोड़कर अर्थ पर चला जाता है। और थैनोस के स्नैप के बाद टोनी और निबुला को छोड़कर बाकी सारे सुपर हीरोज डस्ट बनकर उड़ जाते हैं और फिर किसी तरह गार्जियंस की शिप ठीक करके वहां से निकलते हैं। बट फ्यूल खत्म हो जाने के कारण वो लोग रास्ते में ही अटक जाते हैं और फिर टोनी ऑलमोस्ट मरने के पॉइंट पर आ जाता है, तभी कैप्टन मार्वल उसे बचा लेती है। टोनी अर्थ पर आते ही स्टीव से मिलता है और वो कहता है कि वो थैनोस को रोक नहीं पाया और तभी पेपर रोते हुए उसके गले से लग जाती है। और फिर करीब 5 साल बाद हम देखते हैं टोनी को अपनी बेटी के साथ, क्योंकि बीते 5 साल में टोनी ने पेपर से शादी कर ली और उसकी एक क्यूट सी बेटी भी है। तभी स्टीव, स्कॉट और नताशा आ जाते हैं और टोनी को हेल्प करने के लिए कहते हैं जिससे कि वो क्वांटम फिजिक्स का यूज करके टाइम ट्रेवल करके सब कुछ ठीक कर सके। उस समय टोनी एक बेटी का बाप था, उसे डर था कि कहीं वो उसे खो ना दे, इसलिए वो उस समय उन्हें ये सब करने से मना कर देता है। बट कुछ दिनों बाद टोनी स्टीव से मिलने जाता है और टाइम ट्रेवल की जीपीएस देते हुए उसे ये कहता है कि मुझे शांति चाहिए इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। उसके बाद टोनी और बाकी सारे सुपर हीरोज थैनोस से भिड़ने जाते हैं और ऑलमोस्ट हारने ही वाले होते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज टोनी को एक इशारा करता है और टोनी समझ जाता है। उसके बाद टोनी थैनोस से लड़ने जाता है और लड़ते वक्त उसके हाथ से सारे स्टोन्स अंगूर की तरह निकाल लेता है और कहता है आई एम आयरन मैन और फिर स्नैप कर देता है। स्नैप करने के बाद थैनोस के साथ साथ उसकी आर्मी भी खत्म हो जाती है और लास्ट में वो हो जाता है जो कि एमसीयू फैंस के ने ये सब कभी नहीं सोचा होगा। टोनी की बॉडी में इन्फिनिटी स्टोन्स की एक्सेसिव पावर आ जाने की वजह से टोनी की डेथ। तो फ्रेंड्स, ये थी आयरन मैन की 10 साल की जर्नी कि कैसे वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट से एक सुपर हीरो बना और यूनिवर्स को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया। आयरन मैन ने इन 10 सालों में केवल एमसीयू में ही नहीं बल्कि अपने सारे फैंस के दिलों में खास जगह बना लिया था, बट आयरन मैन के फैंस को उसका मरना बिल्कुल ही पसंद नहीं आया। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बट बिफोर इन आई वुड लाइक टू से दैट फाइट विथ योर प्रॉब्लम्स एंड हैव अ सुपर मूव।